मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी NEET नीट 12 सितंबर 2021 को ही होगी। हालांकि इसे स्थगित करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब इस मामले में एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी बात रखते हुए सरकार पर निशाना साधा है। CBSE बोर्ड की कंपार्टमेंट प्राइवेट पत्राचार परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के एक समूह ने नीट परीक्षा को स्थगित करने की मांग की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है, जिस पर अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखते हुए परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है और भारत सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, भारत सरकार को छात्रों की परेशानी नहीं दिख रही है, नीट परीक्षा को स्थगित करिए, छात्रों को निष्पक्ष मौका दीजिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अब हर मुद्दे पर सक्रिय नजर आ रहे हैं और खुलकर अपनी राय रख रहे हैं। उसी कड़ी में अब उन्होंने छात्रों की परेशानी का हवाला देते हुए नीट को स्थगित करने की बात कही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करने से इनकार कर चुका है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने NTA से गुजारिश करते हुए उसे निर्देश दिए कि वह छात्रों की चिंता को हल करे। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस CT रवि कुमार की पीठ ने कहा कि नीट स्थगित करने के किसी भी फैसले से 16 लाख छात्र प्रभावित होंगे जिन्होंने इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा परीक्षा स्थगित करने से दूसरी परीक्षाओं के साथ टकराव भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों की याचिका पर सुनवाई नहीं की, जिस पर अब राहुल गांधी ने भी परीक्षा स्थगित करने की बात कही है। अब देखना होगा कि इस फैसले में कोई बदलाव आता है या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।